अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ कायनात अनवर एंड आई एम इंस्ट्रक्टर एट skillforis.com। आज मैं आपको फोर स्टेप ऑफ स्टडी बताने जा रही हूँ कि कैसे आप एग्ज़ाम में ए प्लस हासिल कर सकते हैं। नंबर वन, कंसंट्रेशन। सबसे पहले अपने लेक्चर को तवज्जो के साथ सुने, टॉपिक और उससे रिलेटेड फैक्ट्स को अपने जहन नशीन कर लें। नंबर टू, टेक अ गुड नोट्स। जो भी आप लेक्चर ले रहे हैं उसको गौर से सुने और साथ साथ नोट करते जाएं और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना लें। जब वो पॉइंट्स आप पढ़ने बैठेंगे पूरा लेक्चर आपके माइंड में रिवाइज हो जाएगा। नंबर थ्री, डू योर होम टास्क रेगुलरली। जो भी आपको घर के लिए काम दिया जाता है उसको रोज़ करें, आज का काम कल पर ना छोड़ें और कोशिश करें कि उसके निमोनिक्स बना लें। अब निमोनिक्स क्या होते हैं? किसी भी टॉपिक के स्टेप को याद करने के लिए कुछ ट्रिक यूज़ की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अ कैटी पेरी केम आउट फॉर अ ग्रेट सॉन्ग, ये एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है जो कुछ इस तरह है। के फॉर किंगडम, पी फॉर फाइलम, सी फॉर क्लास, ओ फॉर ऑर्डर, एफ फॉर फैमिली, जी फॉर जीनस, एस फॉर स्पीशीज। और लास्ट और फोर्थ स्टेप है प्रैक्टिस टेस्ट। जो आपके स्कूल में टेस्ट लिए जाते हैं उनको रेगुलरली दें और कोई भी टेस्ट ना छोड़ें। तो ये थी हमारी एग्ज़ाम में ए प्लस लेने की ट्रिक। मज़ीद एडुकेशनल टिप्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्किल फॉर इसको सब्सक्राइब करें। अगली एडुकेशनल टिप्स तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.